हम लोग भुट्टा का भुट्टा काटते वक्त बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। आप लोग की साकर बैंड हो गया है। यूट्यूब फैमिली आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विशाल शर्मा, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थ्री बॉल्स ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग आगे में जा रहे हैं, हम हमारे बड़े भाई साहब आज क्योंकि वहाँ पे जा रहे हैं गैराज का ज़मीन देखने, गैराज खोलने के लिए। तो आइए चलते हैं और भाई साहब से भी मिलाते हैं, यही ड्राइव करेंगे और मैं पीछे बैठा रहूँगा। हाय, और चलते हैं, आप लोग को लोकेशन भी दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। और आजमगढ़ में देखेंगे कहीं अपना जगह, मतलब ज़मीन रहेगा वहीं पर अपना गैराज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं आजमगढ़ की तरफ, अभी स्टार्टिंग में जाएंगे वो सतगाँव में पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत फेमस है पानी पूरी खाना। और आएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे आजमगढ़ के लिए, चलते हैं पहले सतगाँव पहुँचेंगे। फाइनली हम सतगाँव पहुँच चुके हैं, मग इतना बड़ा है कि एक मग पानी पीने से पूरा पेट भर जाएगा, आप प्यास भी मिट जाएगा, इतना बड़ा मग है। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा मग, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चाइना से मंगाया गया होगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बता रहे भाई साहब कि चाइना से मंगाया गया होगा, मेड इन चाइना, इंडियन माल है, बचपना याद दिला रहा है। ये बचपना याद दिला रहा है, चाचा कह रहे हैं कि बचपना याद दिला रहा है ये माल। सही, हम लोग पानी पे बहुत तीखा था, आग से पानी निकलने लगा मुझे। हम लोग निकल चुके हैं, अब निकलेंगे सीधे आजमगढ़ के लिए। बैल बाबा ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी टुलना का है, हाँ स्टार्ट हो गया है टुलना का, शायद कितना जबरदस्ती है। के लिए एंट्री होती है, और ये हमारा जो यूपी है वो काफ़ी तरक्की पे है, काफ़ी तरक्की पे। बस ये दोस्तों नरोली, हाँ घुमा लिया देखे तो वहाँ पे मतलब बड़ा है ज़मीन का, जिसके
के कारण वो हमें अभी नहीं मिल सकता है, तो वापस जाना पड़ रहा है हम लोग को। बहुत तकलीफ हो गया कि मतलब हाथ में आते हुए फिर चला गया। अब लफड़ा वाला ज़मीन वहाँ पे कैसे खोला जाएगा, अगर स्टार्ट भी होगा तो बाइक भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम लोग को वापस घर जाना पड़ रहा है और कहीं देखेंगे हम लोग। स्टार्ट तो करना ही करना है भाई साहब को हमारे, मुझे निराशा होना पड़ा भाई साहब को कि नहीं जाएगी। कोई बात नहीं है, फिलहाल ट्राई तो करते रहेंगे कहीं और, क्या बताएं आप। वहाँ से चले तो क्या ना पहुँचे यहाँ बमोर, बमोर मोर साइड पहुँचे हैं, पुल है, पुल के नीचे भी खड़े हैं भाई साहब, भी परेशान है, सब परेशान है कि जल्दी नहीं मिला है, लेकिन कोशिश किया जाएगा। तो वजह कि गम के खुशे में, गम के खुशे में हम भुट्टा खा रहे हैं, भुट्टा खाने आए हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, भुट्टा भी भुजा रहे हैं, ये हम लोग का है। नींबू भैया थोड़ा सा ज्यादा लगाइए आप, हो गया है। नींबू थोड़ा ज्यादा लगाइए चाप कर। भुट्टा खाते वक्त बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये काफ़ी तेजी से हुआ था, बच गए साफ साफ। भैया लेकिन गाड़ी आपकी फास्ट थी, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट थी, बहुत फास्ट थी, कंट्रोल नहीं कर पाए आप, बाल बाल बच गए। आप लोग की साकर बेंड हो गया है और ये इस साइड से आ रही थी और ये बाइक इस साइड से आ रही थी, ये वो वाली बाइक जो इसको टक्कर मारी इसके चक्के में, साकर पूरा बेंड हो गया है, लेकिन बच गए, वही बहुत बड़ा धन्यवाद भगवान का कि बच गए। लेडीज बैठी थी और एक जेंट्स थे और एक ड्राइवर थे, और इस पर एक जेंट्स, दोनों जेंट्स बैठे हुए थे, दोनों लोग बच गए, लेडीज से ही हैं ये लेडीज से। तो दोस्तों विदा लेना चाहूँगा, बता देता हूँ कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आगे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो